हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में डिफरेंशियल कैलकुलस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक का सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक का सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन इंटू एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। कोई भी फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते समय आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि y को डिफरेंशिएट करेंगे अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy by dx। ठीक है, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको कहते हैं dy by dx और इसी को कहेंगे एज अ y1। ठीक है, फिर अगर आप इसको dy by dx को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर और इसी को कहते हैं y2। तो ये आपको पता होना चाहिए, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा y1 और y1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा y2। ठीक है, y1 यानी ही dy by dx इसका डिग्री 1 है तो इसके थ्रू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। y2 यानी ही d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इसका डिग्री 2 है, इट मींस इसके थ्रू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। चलो देखते हैं अब यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है। सबसे पहले जो गिवन y जो दिया है वो हम यहां पे लिख लेंगे। गिवन y इक्वल्स टू sin into m sin इनवर्स ऑफ x, तो इसका हमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन। इक्वल्स टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। m जो है वो यहां पे कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और इसी को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा d by dx ऑफ y और राइट साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d by dx ऑफ sin ऑफ m sin इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड में d by dx का टर्म लिख दिए और अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। लेफ्ट साइड में हो जाएगा यहां पे dy by dx और राइट साइड में क्या हो जाएगा, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos। साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ m sin इनवर्स ऑफ x, लेकिन डिफरेंशिएशन अभी पूरा नहीं हुआ। अब हमें ये जो साइन के अंदर में जो भी टर्म्स है, इट मीन जो इनर टर्म्स है, हमें उसको अलग से डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यहां पे अलग से डिफरेंशिएट करेंगे m into d by dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। देखो ये जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या किए, यहां पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x है, ये जो ब्रैकेट है ये एज अ x है ऐसा मान के चलो, साइन x के फॉर्म में है तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो देखो cos ऑफ x इट मींस cos ऑफ ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको अलग से डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर है m sin इनवर्स ऑफ x, m तो कांस्टेंट है तो m को हमने एज इट इज रखे, लेकिन sin इनवर्स ऑफ x को हम यहां पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो अब ये स्टेप को सॉल्व करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में देखो क्या लिखा है dy by dx, तो dy by dx मतलब क्या होता है, y1 होता है, तो लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे y1 क्योंकि हमने आपको कहा था कि dy by dx माने y1 है तो हमने उसके जगह y1 लिख दिए। और राइट साइड में ये जो m है ये सामने लेके आ जाओ तो m सामने आने के बाद ये ऐसा हो जाएगा m into cos of m sin inverse of x। ठीक है, और अब ये जो sin inverse of x है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका फार्मूला है 1 by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला हमने यहां अप्लाई किए। फार्मूला अगर आपके पास नहीं लिखा है तो आप फार्मूला लिख के रखो। फार्मूला ये स्टैंडर्ड है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, दैट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला हम यहां पे यूज किए हैं। अगर आपके पास फार्मूलाज कोई भी नहीं लिखा होता है तो आप सभी फार्मूलेज अपने नोट पैड में लिखते जाओ। वैसे इसके पहले डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूलेज के ऊपर हमने स्टार्टिंग में एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूलेज का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो हमने यहां पे डिफरेंशिएशन कर लिए, अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे ये जो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो इसके डिनोमिनेटर में है इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। अगर ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये y1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम ऐसा लिखेंगे दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू y1 इक्वल्स टू m इनटू cos ऑफ
दैट इज एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए हमने क्या किए, यहां पे अंडर रूट में था डिनोमिनेटर में, वो हमने यहां पे जो अंडर रूट में डिनोमिनेटर में है वो हमने यहां पे लेफ्ट साइड में लेके आया, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर टू कहेंगे, क्योंकि यही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे मिल गया। कैसे समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वाई वन है। हमने आपको कहा था वाई वन यानी ही डीवाई बाई डी एक्स डिग्री वन है, इट मीन्स ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अब हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी को डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलो हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन नंबर टू को हम यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो इक्वेशन नंबर टू है इसके लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन, ये हमने लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन लिख दिए डी बाई डी एक्स। और अब राइट साइड में यहां पर हम लिखेंगे दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एम इंटू कॉस ऑफ That is m sin inverse of x। अब यहां पे डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड में d by dx का टर्म तो लिख दिए, तो अब डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये टर्म में x है और ये टर्म में y है और दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो हमें यहां पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल काफी सिंपल है, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है। तो चलो हम ये रूल यहां पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म दैट इज अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया फर्स्ट टर्म, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट इज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है वाई वन है, ठीक है वाई वन का डिफरेंशिएशन, प्लस अब हम लिखेंगे सेकंड टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है दैट इज अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब राइट साइड में चलते हैं, देखो फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। और अब राइट साइड में देखो यहां पे m तो कांस्टेंट है, तो m हम यहां साइड में रखते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो हम यहां पे माइनस भी बाहर निकालेंगे दैट इज माइनस m साइन ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये हमने कॉस का डिफरेंशिएशन ले लिए, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है हमें इसको अलग से डिफरेंशिएशन करना होता है, तो हम यहां लिखेंगे इंटू एम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखो ये जो स्टेप है इसके तरफ आप ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल है, हम यहां पे बिल्कुल वही रूल अप्लाई कर रहे हैं जो हमने रूल यहां पे अप्लाई किए थे। देखो हमने पहले साइन का डिफरेंशिएशन किए थे, फिर हमने ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी था उसको हमने अलग से डिफरेंशिएशन किए थे, यहां पे भी हम वही कर रहे हैं। सबसे पहले हम कॉस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और अब कॉस के अंदर में ब्रैकेट में जो कुछ भी है उसको हम अलग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स को अलग से डिफरेंशिएशन करते समय एम जो है वो कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमने साइड में रखे और साइन इनवर्स ऑफ एक्स का हमने डिफरेंशिएशन यहां पर d by dx के फॉर्म में लिख दिए। और अब यहां पे लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, देखो ये जो अंडर रूट है पहला ये तो एज इट इज रहेगा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज है, y1 का हो जाएगा y2 क्योंकि हमने आपको कहा था कि y1 का डिफरेंशिएशन y2 होता है, तो ये हमने लिख दिए प्लस y1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट। अब यहां पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला हम आपको यहां पे लिख के देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है 1 बाय टू रूट एक्स, ये फार्मूला है, हम ये फार्मूले का यहां पे यूज करेंगे। रूट एक्स का स्टैंडर्ड फार्मूला 1 बाय टू रूट एक्स होता है, तो हम यहां पे देखो डिफरेंशिएशन करेंगे उसी फॉर्म में, ये रूट एक्स के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज 1 बाय टू रूट एक्स के फॉर्म में, जस्ट अ मिनट, तो ये हम लिखेंगे 1 बाय टू रूट एक्स, इट मीन 1 बाय टू इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने ये देखो रूट एक्स के फॉर्म में है तो 1 बाय टू रूट एक्स, लेकिन ये रूट के अंदर में जो कुछ भी है इनर टर्म्स उसको हमें अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो चलो इनर टर्म्स को अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 2x, तो ये हमने लेफ्ट साइड को पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर लिए। देखो ये ब्रैकेट एज इट इज है, देन ये y1 का y2 हो गया, देन ये y1 और रूट एक्स का है तो 1 बाय टू रूट एक्स, और इनर टर्म्स को अलग से डिफरेंशिएट कर लिए। अब राइट साइड में चलो, राइट साइड में ये m और ये m, m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे माइनस ऑफ m स्क्वायर, देन साइन ऑफ ये जो टर्म है ये एज इट इज रखेंगे, साइन ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x, ये टर्म हमने एज इट इज रखे, लेकिन यहां साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे 1 बाय
यहां पे रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने यहां पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्टैंडर्ड फार्मूला लगा दिए। देखो हमने यहां पे भी यूज किए थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे हमने वही फार्मूला अप्लाई कर दिए, ठीक है ओके। और अब हम यहां क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे ये जो 2 है और ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस एक्स है इसको सामने लेके आ जाओ, ये माइनस एक्स यहां, इट मीन्स ये वाई वन के साथ मल्टीप्लाई करो और क्या करो ये पूरे इक्वेशन को रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, हम वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का ये जो टर्म है इससे हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, इससे यहां पे जो डिनोमिनेटर में रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे इसके डिनोमिनेटर में जो रूट में लिखा है वो कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करना जो है वो इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलो हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट इंटू रूट यहां पे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हम लिखेंगे दैट इज वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ये वाई टू प्लस ऑफ ये y1, ठीक है, और यहां पे रूट कैंसिल हो गया और ये जो माइनस एक्स है हमने आपको माइनस एक्स को बाहर लेके आने के लिए कहा था, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू वाई वन, तो ये हम प्लस यहां से निकाल देंगे और ये माइनस एक्स इंटू वाई वन ऐसा लिखेंगे, और अब इक्वल्स टू राइट साइड में चलते हैं, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी टर्म जो है वो एज इट इज बचेंगी, माइनस एम स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमने यहां पे राइट साइड में एज इट इज लिख दिए, ठीक है। और अब यहां देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहां इक्वेशन नंबर वन अप्लाई करेंगे, इसका क्या मतलब है, देखिए साइन इंटू एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसके जगह हम यहां पे वाई लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो हम वही करेंगे, ये हम लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस ऑफ एक्स इंटू वाई वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू वाई, देखो ये हमने इक्वेशन नंबर वन से ऐसा लिख दिए क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये देखो साइन ऑफ एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई होता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ऐसा हम यहां पे मेंशन कर लेंगे, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। और अब ये एक काम करेंगे, ये जो राइट साइड में ये जो टर्म है इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे ताकि यहां पे एक इक्वेशन बन जाए वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस ऑफ एक्स वाई वन और ये प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। और अब देखिए ये क्या है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे समझ में आ रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें y2 का टर्म है, देखो इसमें y2 है, हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि y2 माने d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर होता है, तो ये y2 है, इट मींस ये d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर है, इट मींस इसका डिग्री 2 है, तो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करने के लिए कहा था, तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार किए थे इसके पहले जो y1 के फॉर्म में था, और ये हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर लिए जो y2 के फॉर्म में है, प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये था फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच,